ذكر الإله تطيب الحياة. Hello everyone, welcome to my new vlog. So आप सब लोग guys मेरी तरफ से सलाम और सब लोग guys तीसरा रोजा मेरी तरफ से मुबारक हो आपको और guys आप लोग enjoy कर रहे होंगे मेरी non stop videos और मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा और ऐसा लगता है जैसे पुराना सामान वापस आ गया जब मैं नया गैस इन दिनों ना मेरे 6 मार्च के उस चैनल स्टार्ट हुआ था जब मैं गैस स्टार्टिंग में वीडियोस पोस्ट किया करता था ना तो ये होता था कि एक या दो दो दिन का गैप आता था फिर मुझे पता नहीं क्या हो गया और फिर महीनों महीनों और हफ्तों हफ्तों का गैप आने लग पड़ा। सो आज ये सीन है गैस कि आज हम चल रहे हैं गाड़ी लेने के लिए और कहाँ जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं 0 पॉइंट इस्लामाबाद की तरफ और आज देख रहे हो आप गैस धूप कितनी मुसीकी है इसलिए गैस मैंने आज हाफ स्लीव शर्ट पहन लिए। सो अगर इस मौसम में ना मैंने सही चीज़ें पहन ली हो ना मतलब फुल शर्ट पहन लियो ऊपर जैकेट पहन लियो तो मुझे एलर्जी शुरू हो जाती है। सो अभी हम चल रहे हैं गाइस इस्लामाबाद की तरफ अभी मैंने इन ड्राइव करनी है। सो इन ड्राइव मैंने कर लिया गाइस और अगले 3 से 4 मिनट में गाड़ी मार करके सामने होगी। ओके हाँ बस पास पहुँच गए ठीक है ओके। सो ये देखो गाइस गाड़ी आ चुकी है और अभी हम चलते हैं गाइस इस्लामाबाद की तरफ। So guys, starting में नहीं बता रहा था आज हम बहुत दिन जा रहे हैं आज गाइस हमारा ट्यूजडे को हटा करना ये तीसरा दिन है जो हम सब साल ना यही रूट इस्तेमाल करें। मंडे को हम आए थे I-8 और ट्यूजडे को भी हमने गैप दिया और वेनसडे को अंकल आए थे लायर कलोनी वहाँ भी गाड़ी चेक करनी थी और इसके अलावा आज फिर तीसरा दिन लगातार मतलब ये रूट इस्तेमाल करें और रमजान तो गाइस सब पता ही चल रहा आज तीसरा रोज़ है पहले जो 2 रोज़े गुजरे हैं बहुत ही अच्छे गुजरे हैं पता ही नहीं चल रहा एकदम और मौसम भी ठंडा था आज थोड़ा बहुत मौसम है गर्म है। सो गैस ये कार थी लेकिन चेक करने के बाद गैस हमें पसंद नहीं आई और अभी हम गैस बिल्कुल खड़े हैं और बिल्कुल उस साइड पे शाफ़ी सर मॉस्क है। सो ये गैस मॉस्क है और अभी हम यहाँ पे नमाज अदा करते हैं। सो ये भाई नमाज पढ़ रहे और मैंने नमाज पढ़ ली है। सो अभी भाई निकलते हैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ जगह। सो गाइस आप देख रहे हो वो सामने सेंट्रल मॉल है वो साइड पे और ये गाइस परवेज मार्केट है और सेक्टर कौन सा मतलब G8। ये देखो गाइस गाड़ी आ चुकी है और अभी हम जा रहे हैं खानापुल। तो भी गैस शाम के 4:15 हो रहे हैं और दो गाड़ियाँ देखने के बाद पसंद नहीं आई और मैंने अभी एक और गाड़ी ड्राइव की है तो अभी हम चलते हैं घर और फिर घर जाकर फिर आपसे मिलेंगे। सो एक कार आ चुकी है गैस अभी हम चलते हैं घर। सो भी गैस अभी हम घर पहुंच चुके हैं और अभी 8 मिनट रह गए 5 मिनट में। सो आज के दिन बहुत ही अजीब गया और सिर्फ हमने आज आउटिंग की। सो अभी ऐसे करते हैं जल्दी से वजू करते हैं फिर चलते हैं मस्जिद में। सो अभी गाइज नमाज पढ़ के कुरान पाक भी पढ़ लिए और अभी हम जा रहे हैं गाइज दूध लेने कला मेरे साथ है उसने कुछ चीज़ भी लेनी होगी। सो ये गाइज ले लिए दूध। सो गाइज दूध लेने के बाद ये देखो रास्ते में मुझे कौन मिल गया अहमद मिल गया और ये देखो हमदन ने एक शर्ट पहनी है। कैसे जा रहे हो रोज़ा? अच्छा जा रहे और अभी फ्री हो या काम? चलो सही अगर बिजी ना होते तो भी सब में चलते थोड़े खेलते हैं फिर आ जाओगे अगर टाइम मिले फिर आ जाओ ठीक है। सो अभी गए इस तरह चीज़ भी ले रहे हैं फिर चलते हैं हम घर की तरफ। सो अभी गए 5-10 मिनट रह गए इफ्तार करने में रोज़ा और याद देखो गए माशाल्लाह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो गए अभी रात का टाइम है और अभी जो ना 10:15 सो रहे हैं और अभी मैं इसका काम कर रहा हूँ। सो थोड़ी देर बाद मैं ब्रेक लूँगा और नमाज भी अदा करूँगा। सो आज का गैस दिन ना बहुत ही अजीब रहा क्योंकि आज जो गाड़ी थी ना जब हम गए थे इस्लामाबाद 0 पॉइंट से थोड़ा सा आगे G8 मरकज़ में
वो जो ना हमें घर से ना उसकी पिक्स में ना समझ आ गई थी गाड़ी, बहुत अच्छी लगी थी, बट वहाँ जाके ना टोटली अपोजिट थी। वहाँ से थोड़ी सी मायूस हुई, बट ये है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ना अभी गाड़ी मज़ीद चेक करें, इंशाल्लाह 2-3 दिन तक ना गाड़ी आ जाएगी। दिन को तो आपने देखा था ना कि मैंने हाफ स्लीव जैकेट पहनी थी, और अभी देखो मैंने जैकेट प्रॉपर फुल बाजू पहन ली। और इसका क्या मतलब है कि दिन के टाइम ना गर्मी होती है और शाम के टाइम फिर सर्दी हो जाती है। अभी ये जो ना मिक्स मौसम चल रहा है, और कुछ दिन तक ना ये भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये जो मार्च होता है ना, मार्च का महीना या अक्टूबर का महीना, इन दिनों में ऐसा होता है कि मिक्स मौसम होता है। एनीवेज गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ज़्यादा देर इबादत करना, और ये रमज़ान का महीना है, इसमें ज़्यादा देर इबादत करो आप सब। अपना गाइस बहुत ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।